नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अवर इंडियन टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, आप हेडिंग तो देख ही रहे होंगे, सैमली अपीयरिंग इन वीडियो प्रमोटिंग न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम डे आफ्टर अस फ्रॉड चार्जेस, यूएस फ्रॉड चार्जेस। ओके, ऑस्ट्रेलियन ब्लॉकचेन एंटरप्रेन्योर्स अर्ज हिज फॉलोअर्स टू कंटिन्यू द जर्नी विद हिम इन अ वीडियो रिकॉर्डेड डे आफ्टर ही वॉज चार्जेड विद Conspiracy to commit fraud। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सैमली के द्वारा एक नया वीडियो प्रमोट किया जा रहा है, एक नए इन्वेस्टमेंट प्लान और नए इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है। सैमली वही है जो हमें हाइपरवर्स में इन्वेस्टमेंट या हाइपरवर्स को देखता था, CEO वही है। तो यहाँ एक चीज़ है दोस्तों, सैमली भी आगे बढ़ चुका है लोगों को फ्रॉड करके। इससे तो ये समझ आ रहा है, लोगों को जो फ्रॉड करना था सैमली के जो लोगों के साथ फ्रॉड करना था, सैमली कर चुका है और वो यहाँ से एक दूसरे काम पे लग चुका है। तो आज उसके बारे में हम आपको शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों कि क्या अपडेट है सैमली को लेके। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, इस द गार्जियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया करके एक न्यूज़ है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि सैमली ने कैसे 1.89 बिलियन की पोंजी स्कीम स्टार्ट किया, प्रमोट किया वीडियो को, और कैसे लोगों का फंड वहाँ पे फंसाया और स्कैम करके चला गया। उसके बाद शॉकिंग वाली चीज़ ये है दोस्तों कि आप यहाँ देख सकते हो, हाइपरवर्स के स्कैम होने के बाद इन्होंने एक अलग प्रोजेक्ट जिसका नाम है वेंड, ये आप देख सकते हो, उस प्रोजेक्ट को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है दोस्तों। बट सैमली को ये मालूम नहीं है दोस्तों कि वो ऑलरेडी इतना वायरल हो चुका है लॉस स्कैम के चक्कर में कि अब उसका कोई भी प्रोजेक्ट वर्क नहीं करने वाला। आप देख सकते हो, इन द वैंड वीडियो ब्रॉडकास्ट ऑन फेसबुक बाय अ साउथ अफ्रीकन प्रमोटर ऑन 30 जनवरी ली एल्सो क्लेम पीपल हैव बीन लाइंग टू रेगुलेटर्स एंड अर्गिज हिज फॉलोअर्स टू कंटिन्यू द जर्नी विद हिम। इफ यू आर इन द माइंडसेट ऑफ सेइंग लुक आई लॉस्ट अ लॉट, यू नो दैट आई लॉस्ट अ लॉट टू इन 2023 आई लॉट अ लॉट लॉट सॉरी आई लॉस अ लूट टू बट टू बी इन द माइंड सेट ऑफ लॉस इज टू नॉट एम्बेरस न्यू गेन ली सेड। ली हमारे साहब हमारे हमें मोटिवेट कर रहे थे कि अगर आप सोचते हो कि आप लॉसेस में हो तो आप लॉस में ही रहोगे। आप ये सोच के बैठ गए कि आप लॉस में हो तो फिर आप कभी उभर नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे उभरने की तो आप लॉस में नहीं विन हो जाओगे। ये हमारे सैमली जी ने एक अच्छा खासा वहाँ पे भाषण दिया है और उनको लगता है कि उनके इस भाषण से लोगों को प्रॉफिट फिर से वो उनके साथ खड़े हो पाएंगे। तो कुछ लोग ही हो पाएंगे जो बेनिफिट उठाए हैं, वो ही सैमली के साथ खड़े होंगे। बाकी अभी फ़िलहाल दोस्तों, ये आप देख सकते हो द गार्जियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये न्यूज़ आया है कि सैमली एक न्यू अनाउंसमेंट और न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और हाइपरवर्स को वो ऑलरेडी साइट कर चुका है। द स्कीम इज जस्ट वन ऑफ नंबर ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रमोटेड ओनली बाय ली इन द वेक ऑफ द हाइपरवर्स कोलैप्स। ही आल्सो फ्रंटेड प्रमोशन मटेरियल फॉर प्रोजेक्ट कॉल्ड वी आर ऑल सतोशी वॉज द सब्जेक्टेड ऑफ अ डेजिट एंड रिफ्रेंड ऑर्डर इशूड इन सेप्टेम्बर 2023 फ्रॉम कैलिफोर्निया कमिश्नर ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन विच अलाइड द प्लेटफॉर्म वॉज अ फ्रॉडलैंड पिरामिड एंड पोंजी स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे जो वॉस आया है वो भी इसके लपेटे में आने वाला है दोस्तों। वी आर ऑल सतोशी जो अभी इंटरनली चल रहा है वो भी इनके साथ में भी चला जाएगा और
बहुत जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है दोस्तों। बट इतना तो है दोस्तों कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी गलत कदम ना उठाएं और कोशिश करिए कहीं से रिकवर करने के लिए। तो और मैं इस चैनल में बहुत सारे रिकवरीज ऑप्शन दे रहा हूँ और ऑप्शन बता रहा हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है तो यूज़ भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक उसमें रिकवरी कर चुके हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।